सभी, मैं तमाम मुसलमानों को इस बात की मुबारकबादी देता हूँ जो मिलाद नबी के मौके के ऊपर आप लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाय से बरकत के महीने पे दिलो जान से इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जो है खुशी मना के और जगह जगह जो है तमाम मुसलमान जो है अपनी दिलो जान से खाना तब्रुका तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। मैं तमाम लोगों का भी बहुत सारे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे आगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाय से बरकत के महीने में, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाय से बरकत के महीने में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसी यतीम बच्चों की मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी शादियों में मदद करिए। साथ ही साथ इस महीने में जो उम्मी के तवस्सुस से इनके वास्ते से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से वसीले से गरीब गुरबा की भी मदद करिए, जिसके अंदर जो है अल्लाह ताला परवरदिगार आप लोगों को जो है इसका अजर देगा, यहाँ भी अजर देगा और परवरदिगार जन्नत में भी अजर देगा, दुनिया में भी अजर देगा। और मैं तमाम मुसलमानों से बात कहना चाहता हूँ कि नमाज की फजीलत बहुत अहम फजीलत है, पढ़कर नमाज देखिए बरकत नमाज की मिलती है इस जहाँ में उजरत नमाज की क्यों ना पढ़े मुसलमान। नबी आल उम्मत पढ़ी नमाज अव्वल है, आप नमाज से गाफिल न हो रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अल्लाह ताला परवरदिगार की ऐसी किताब है जो कलाम पाक से मंसूब है, कुरान शरीफ से मंसूब है, और इस किताब की बाय से बरकत का जिक्र करना इसको पढ़ना ही है। पढ़कर कुरान देखिए बरकत कुरान की मिलती है जहाँ में उजरान उजरत कुरान की। मैं तमाम मुसलमानों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान एक मसीहुद्दीन मेरे अच्छे पड़ोसी है, जो मसीह भाई के नाम से मैं पुकारता हूँ उनको, बड़े अच्छे पड़ोसी है। जब उनके मेरे को जो है जब उनके अल्लाह ताला के तरफ के बताए हुए हिदायतों पर वो चलते तो उनके कारनामे मुझे देखकर बड़ी खुशी और मैसर होती जनाब मसीहुद्दीन के लिए। मसीहुद्दीन साहब रमज़ान के 30 दिन गरीबों को, मसलूमों को, बच्चों को डेली खाना खिलाते हैं और बिना किसी कोई ऐसे कोई गुरूर नहीं कुछ नहीं क्या नहीं, हर मतलब और मिलत का आदमी खा सकता खाना रमज़ान में। और इनकी एक और एक फजीलत है कि करोड़पतियाँ अरबपतियाँ हैं, बहुत लोग हैं, मगर मैं इनकी फजीलत इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दिल को बहुत पसंद है अली जनाब मसीहुद्दीन साहब के, जो मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। इनू जो है मसीहुद्दीन साहब एक थैला चावल, तेल, आटा, शक्कर, दाल, दलीना पूरा इस तरीके से जो है कम से कम हज़ारों की तादाद में गरीब गुरबा को बिल्कुल बुला के रमज़ान से शुरू दिनों में अव्वल वक्त दे देते, जो बड़ी तादाद में देते हज़ारों रुपये की अगर सोचा गया तो हज़ारों रुपये का है, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गरीबों के लिए मसीहुद्दीन साहब वक्फ कर दिए। अल्लाह ताला परवरदिगार से उनके और भी कारनामे हैं, जो मुहर्रम के जो करबला के इमाम हुसैन की अजीम शहादत के महीने में भी मुहर्रम के 10 दिन डेली अच्छे से अच्छा पकवान करके उनकी राह में खिलाते हैं। उनके और भी कारनामे हैं मसीहुद्दीन साहब के, कि अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत से रखे, तंदुरुस्ती से रखे, आबाद और शाद रखे, दौलत से रखे, इज्जत से रखे। और उनके और भी कारनामे अल्लाह उनको अच्छा रखे, जो हर महीने को यतीम गरीब बसरों बेबसरों को भी जो है वो मदद करते। ये मैं उनके बोलने से या किसी और बोलने से नहीं, मेरी जिम्मेदारी से मैं ये बयान दे रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसे मसीहुद्दीन जैसे अगर एक 100 आदमी भी हुए तो मैं चाहता हूँ कि हर एरिया की गरीबी दूर हो जाती। और परसों जो है कि पानी तूफान वगैरह आया, इस सिलसिले में अली जनाब मसीहुद्दीन भी जो है अपने पास बड़े पैमाने पर पकवा के जहाँ भी मुतासर लोग हैं उनको भी पहुँचाया। खाली मेरे पास राशन खाने की तामीर हो रही है, गवर्नमेंट से तामीर हो रही है, अली जनाब हैदराबाद के हमारे MP साहब इन्विटेशन करके मेरे राशन खाने से 1000 रुपये को 10 लाख मंजूर कराए थे और उसकी अब तामीर चल रही है। मसीहुद्दीन साहब से बोला मेरे को पानी की ज़रूरत है, आप पानी मुझे दीजिए, बोले तो बिना हिचक के मेरे को आप जरूर लीजिए पानी, बोलते पानी भी फराम करे। मेरे को बहुत दिल को खुशी और मैसर है। और जब भी मैं इनसे मुलाकात होती मेरे ये सखावत को देख के मैं जो है हाकिम साई का जिक्र सुनता था मैं सखावत में, तो जब ये मसीहुद्दीन साहब की सखावत देख के मेरा दिल बहुत खुश होता। अल्लाह ताला उनको आबाद और शाद रखे, उनकी बीवी बच्चे परिवार और दोनों हाथों से जो है वो खैर करते और ये हिदायत उन
इनको अल्लाह की तरफ से है, और मैं भी दुआ करता हूँ कि हमेशा इनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चले। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, मेहरबानी।